फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी स्पेशल क्लासेस एंड दिस इज नेहल जुनघरे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज द इन द प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द सम पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो टुडेज टॉपिक इज इजैक्युलेटरी डक्ट एंड द यूरेथ्रा। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो जो टॉपिक्स है उसके कुछ वीडियोज़ मैंने इसके पहले अपलोड किए हैं। इस वीडियो में, इस क्लास में हम देखेंगे इजैक्युलेटरी डक्ट एंड द यूरेथ्रा। व्हाट इज द इजैक्युलेटरी डक्ट एंड द यूरेथ्रा विच इज प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज इंक्लूडेड इन टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन कंटेंट्स से बनी हुई है ये सब हमने देखा है। उसमें से कुछ कंटेंट हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब भी किए हैं। आज जो हमें टॉपिक डिस्क्राइब करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो है इजैक्युलेटरी डक्ट। ओके, व्हाट इज इजैक्युलेटरी डक्ट, ये कहाँ प्रेजेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसका फंक्शन क्या है, ये हमें देखना है। उसके बाद में सेकंड वन पार्ट विच इज इंक्लूडेड इन टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, दैट इज द यूरेथ्रा। अब देखेंगे हम यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा किन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इजैक्युलेटरी डक्ट क्या है। ओके, सो यहां पे मैंने दिया ही है कि इजैक्युलेटरी डक्ट पेयर ऑफ डक्ट अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर्म बाय जॉइनिंग वासा डिफरेंसेस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। अब सबसे पहला पॉइंट जो आपको बता रहा है वो बता रहा है कि इजैक्युलेटरी डक्ट जो है वो किस चीजों से बनी हुई है या तो फिर वो कहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले देखो पेयर ऑफ डक्ट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजैक्युलेटरी डक्ट कितनी होती है, 2 होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि इजैक्युलेटरी डक्ट जो है वो कितनी होती है, 2 होती है, मीन्स पेयर ऑफ डक्ट प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो डक्ट है वो कितनी लंबी होती है, ओके, ये जो ट्यूब है, ये जो डक्ट है वो कितनी लंबी होती है, तो इसका डायमेंशन आपको दिया है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, और ये कैसे बनी है इजैक्युलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ पे है, कैसे बनी है, फॉर्म बाय द जॉइनिंग वासा डिफरेंस। अब ये देखो, ये जो लाइन ऊपर जा रही है, ये जो ट्यूब जा रही है, ये जो नली यहाँ से जा रही निकल रही है, ये इससे जो जॉइन होने वाली डक्ट है, मतलब देखो अब इजैक्युलेटरी डक्ट का जो एक्चुअल पोजिशन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखो मैं मार्क करती हूँ, तो ये जो पार्ट है इट्स इजैक्युलेटरी डक्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इजैक्युलेटरी डक्ट। तो ये कैसे कैसे तैयार हो रही है, वासा डिफरेंस, इधर से जो आई वासा डिफरेंस, ओके, ये वासा डिफरेंस, और उसके बाद में जो अपना सेमिनल वेसिकल है विच इज द वन ऑफ द ग्लैंड प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सेमिनल वेसिकल की ग्लैंड, मतलब ये जो ग्लैंड है ये तो अपनी सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल की ग्लैंड और इधर से आई हुई वासा डिफरेंस की ग्लैंड, ये दोनों ट्यूब मिला के जो यहाँ पे ट्यूब बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, उस नली को हम क्या कहते हैं, इजैक्युलेटरी डक्ट, उस डक्ट को हम कहेंगे इजैक्युलेटरी डक्ट। ओके, सो इजैक्युलेटरी डक्ट जो है वो किन किन चीजों से बनी है, तो सबसे पहली बात ये जो वासा डिफरेंस यहाँ से निकल के आई है, वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की ट्यूब ज्वाइन होके दोनों मिला के जो ट्यूब बन रही है, जो डक्ट बन रही है, उस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इजैक्युलेटरी डक्ट हम उसे कहते हैं। ओके, उसके बाद में क्या दिया है आपको, बोथ इजैक्युलेटरी डक्ट ओपन इनटू द यूरेथ्रा, दोनों तरफ से जो इजैक्युलेटरी डक्ट है, दो तरफ से इजैक्युलेटरी डक्ट है, ये दोनों भी डक्ट जो है वो कहाँ ओपन हो रही है, यूरेथ्रा में ओपन हो रही है। देखो अब मैं ये जो ब्लैक कलर से मार्क कर रही हूँ, ये पूरा वाला जो पार्ट है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ओके, तो ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट है वो कहाँ आके ओपन हो रही है, वो इस यूरेथ्रा में आके ओपन हो रही है। ठीक है, इधर से भी ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट है ये आके यहाँ पे यूरेथ्रा में ओपन हो रही है और इधर से आई हुई इजैक्युलेटरी डक्ट भी कहाँ ओपन हो रही है, यूरेथ्रा में ओपन हो रही है। मीन्स दोनों तरफ की जो इजैक्युलेटरी डक्ट है, बोथ इजैक्युलेटरी डक्ट
ओपन इन टू द यूरेथ्रा, कहाँ ओपन हो रही है, यूरेथ्रा में ओपन हो रही है, ओके okay. उसके बाद में देखो इजैक्युलेटरी डक्ट कैरी सेमिनल फ्लूइड. अब ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट है इसके इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो फ्लूइड क्या है, तो इसमें सबसे पहला जो फ्लूइड आएगा वो कौन सा आएगा, ये जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल जो सेमिनल फ्लूइड सिक्रेट करती है वो सेमिनल फ्लूइड ऑफ कोर्स इजैक्युलेटरी डक्ट में आएगा. और ये सेमिनल फ्लूइड क्या है इसका मैंने वीडियो आपको अपलोड किया है, ओके इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है सेमिनल वेसिकल क्या है, सेमिनल फ्लूइड क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है. तो अपनी जो आज की इजैक्युलेटरी डक्ट है, इजैक्युलेटरी डक्ट में जो लिक्विड आएगा उसमें क्या होगा, सेमिनल फ्लूइड होगा, ओके क्योंकि ये जो सेमिनल वेसिकल है इसकी भी डक्ट मिला के अपनी इजैक्युलेटरी डक्ट बन रही है. तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है इतना, ये जो इतना पोर्शन है इसमें सेमिनल वेसिकल की भी डक्ट और इधर से आई हुई वासा डिफरेंस की डक्ट, ये दोनों डक्ट मिला के जो डक्ट बन रही है उसको हम क्या कहेंगे, इजैक्युलेटरी डक्ट कहेंगे, ओके सो इजैक्युलेटरी डक्ट कैरी मीन्स इजैक्युलेटरी डक्ट में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो लिक्विड प्रेजेंट है उसमें सेमिनल फ्लूइड है और स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजुआ का मीनिंग ही होगा स्पर्म, ओके अब ये स्पर्म कहां से आ गए, तो ये देखो ये जो वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस कैरी दिस स्पर्म, ओके ये वासा डिफरेंस टेस्टिस में जो भी स्पर्म फॉर्म हो गए हैं वो स्पर्म लाती है इधर यूरेथ्रा में, मींस ये इजैक्युलेटरी सबसे पहले इजैक्युलेटरी डक्ट में आएगी, मींस यहां से आए हुए स्पर्म उसके साथ साथ सेमिनल फ्लूइड इतना मिला के इतना सब कुछ ये कहाँ जमा हो जाता है, इजैक्युलेटरी डक्ट में जमा हो जाता है, ठीक है मीन्स इजैक्युलेटरी डक्ट जो है ये इजैक्युलेटरी डक्ट कैरी द सेमिनल फ्लूइड और उसके साथ साथ में स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजुआ कौन लेके आए हैं, वासा डिफरेंस और जो सेमिनल वेसिकल है उसने सिक्रेट किया हुआ फ्लूइड उसको हम क्या कहेंगे, सेमिनल फ्लूइड. ये दोनों भी जो सेमिनल फ्लूइड और स्पर्मेटोजुआ ये प्रेजेंट होंगे अपने इजैक्युलेटरी डक्ट में और ये दोनों तरफ की जो इजैक्युलेटरी डक्ट है वो कहाँ ओपन हो रही है, यूरेथ्रा में. ये जो बीच वाला मैंने डार्क किया हुआ पार्ट है ब्लैक कलर से, इट्स अ यूरेथ्रा, इसको हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे. देखो और एक बार मैं इसको डार्क कर रही हूं ब्लैक कलर से, ये जो पार्ट है इट्स अ यूरेथ्रा. तो दोनों भी इजैक्युलेटरी डक्ट जो है वो कहां ओपन हो रही है, अपने यूरेथ्रा में ओपन हो रही है, ओके सो दैट इज अबाउट दी इजैक्युलेटरी डक्ट. एक छोटी सी यहाँ पे जो नली बन रही है दोनों डक्ट मिला के, सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वासा डिफरेंस की डक्ट मिला के जो डक्ट बन रही है उसको हम कहेंगे इजैक्युलेटरी डक्ट. बोथ आर ओपन इन टू द यूरेथ्रा, मीन्स बोथ इजैक्युलेटरी डक्ट ओपन इन टू द यूरेथ्रा. अब नेक्स्ट जो पार्ट है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है यूरेथ्रा, ओके सो यूरेथ्रा क्या है, अब भी मैंने आपको डार्क करके बताया जो पार्ट है उसे हम पूरा यहाँ से लेके फाइनल जो टीप है यहाँ तक जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रा कहेंगे. अब देखो यूरेथ्रा क्या है, इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर द यूरिन एंड सीमेन, मीन्स यही यूरेथ्रा से सीमेन भी इजैक्युलेट किया जाता है, बाहर डाला जाता है सीमेन और यूरिन भी जो बाहर डाली जाती है वो किसके थ्रू डाली जाती है, यूरेथ्रा थ्रू डाली जाती है, ओके सो यूरेथ्रा इज द कॉमन पाथवे, इट्स अ कॉमन पाथवे फॉर द इजैक्युलेशन ऑफ द सीमेन एंड द यूरिन, ओके यूरिन पास होने के लिए और सीमेन पास होने के लिए ये एक ही पाथवे है जिसका नाम है यूरेथ्रा, ओके नेक्स्ट अबाउट 20 सेंटीमीटर लेंथ, मीन्स पूरा जो यूरेथ्रा है जो यहां से शुरू हो रहा है ये पूरा यूरेथ्रा कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड मेड अप ऑफ 3 पार्ट. अगेन यूरेथ्रा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट से यूरेथ्रा के. अब कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये तो पूरा यहां से लेके यहां तक तो पूरा यूरेथ्रा ही है बट यूरेथ्रा भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है. तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. अब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हम किसे कहेंगे, जितना यूरेथ्रा
प्रोस्टेटिक ग्लैंड में है, मींस जो यूरेथ्रा का पार्ट प्रोस्टेटिक ग्लैंड ने कवर किया है वो यूरेथ्रा को हम क्या कहेंगे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। मींस देखो, अब मैं ये डार्क जो ब्लैक कलर से किया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा वाइप कर रही हूँ, और ये देखो अब मैं स्पेशली कौन सा यूरेथ्रा दिखा रही हूँ, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फर्स्ट वाला जो यूरेथ्रा है वो कौन सा है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो देखो मैं अभी ग्रीन कलर से जो डार्क कर रही हूं, ये जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है इट्स अ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, क्योंकि देखो ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेडो किया है इसको, ये पार्ट जो है ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड, इट्स अ प्रोस्टेटिक ग्लैंड। जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड में यूरेथ्रा का पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज, दैट यूरेथ्रा इज नोन एज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके बाद में जो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा किसे कहते हैं, मिडल ऑफ द प्रेजेंट बिटवीन द एंड ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड एंड द रूट ऑफ द पेनिस। देखो ये जो यहां से शुरू होने वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट, इसे हम पेनिस कहते हैं, पेनिस के ऊपर वाला पार्ट और प्रोस्टेटिक ग्लैंड के नीचे वाला पार्ट, मींस एंड ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड। देखो प्रोस्टेटिक ग्लैंड यहां पे खत्म हो रही है, मींस ये जो इतना पोर्शन है, देखो अब मैं रेड कलर से इसको दिखा रही हूं ताकि आपको समझ में आए, ये जो रेड वाला पार्ट है, इतना जो यूरेथ्रा है, देखो अब इसको मैं रेड कलर से डार्क भी कर देती हूं, इतना जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा को हम कौन से यूरेथ्रा कहेंगे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो कि मिडल में है उसे हम कहेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। थर्ड वन इज द पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा किसे कहेंगे, जितना यूरेथ्रा का पोर्शन पेनिस में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द पेनाइल यूरेथ्रा। देखो ये जो इतना पार्ट है इसे हमने पेनिस कहा है, ओके, इट्स अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, ओके, इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके अंदर जो ये यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा, देखो और मैं ग्रीन कलर से इसको डार्क कर रही हूं, ये जो पार्ट है इट्स अ पेनाइल यूरेथ्रा, ओके, मींस तीन पार्ट में यूरेथ्रा डिवाइड हुआ है, सबसे पहला वाला जो पार्ट है इट्स अ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मिडल वाला जो यूरेथ्रा है इट्स अ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एंड जो यूरेथ्रा का पोर्शन पेनिस में प्रेजेंट है वो हो गया पेनाइल यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा इज द कॉमन पाथवे फॉर द सीमेन एंड द यूरिन, ओके, और ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है स्पेशली इट कैरीज बोथ यूरिन एंड द सीमेन, ओके, ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है ये दोनों भी कैरी करेगा, सीमेन भी कैरी करेगा और यूरिन भी कैरी करेगा, ओके, और मैंने पहले ही बताया है कि यूरेथ्रा इज द कॉमन पाथवे फॉर द यूरिन एज वेल एज द सीमेन, ओके। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट मैंने इसके पहले वीडियो में बनाए हैं, सिखाया है आपको, और दो पार्ट जो है वो अब मैंने इस वीडियो में बताए हैं। इसमें कौन कौन से दो पार्ट बताए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पूरे पार्ट मिला के बनेगी, ओके, मींस उसमें टेस्टिस भी आएगा, उसके बाद में इजैकुलेटरी डक्ट भी आएगी, उसके बाद में यूरेथ्रा भी आएगा, पेनिस भी आएगा, ओके, वासा डिफरेंस भी आएगा, और तीनों ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, ये सब मिला के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार होती है। पर इतना सब कुछ एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े पार्ट लेके वीडियोस बनाए हैं। तो ये वीडियो में, ये क्लास में मैंने आपको दो पार्ट सिखाए, दो पार्ट बताए, एक बताया इजैक्युलेटरी डक्ट एंड सेकंड वन इज द यूरेथ्रा, और भी कुछ रिमेनिंग पार्ट है, सो वेट फॉर दिस, ओके, सो अगेन थैंक यू।